अज मैं पार्लर के आई हाँ क्योंकि मैं एज अ मॉडल इन्होंने रेडी करना है। होप सो वधिया रेडी करेंगे। पार्लर तो बहुत सोहना है, देखते कि रेडी करते हैं। सारे ब्रश पे ने के मेकअप आईज मेकअप हो रहा है। आई मेकअप हो रहा, आई मेकअप दी बात तो सारा इसका फाइनल टेस्ट देवे। इधर अपनी मस्ती हो रही है, अपना रेडी होने लगे पे ने। नवू पिछे ना रह जी, वीडियो तुम किस कर करवा दे। हाय हाय नवू बहुत टेंशन है। हाय गाइस हेलो, जिन्हें नाम विशाली का नाम लेता तो इट्टा चक लिया। मेनू भी वोट पाएंगी ना पक्का? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹਾਂ ਦੋਗੇ ਨਾ? ਅਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। बंदे हुणी कट गए तुहाडे। बाय 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 बाय। हाँ ठीक है। अब कह रहे आज बाद फाइनली ग्लिटर लगा रहे हैं मैप के। देखो गाइस हमने ऑनलाइन ग्लिटर बुक किए थे मैप के लिए। देखो ऑनलाइन ग्लिटर तो हम दीदी को सिल्वर टोन देने जा रहे हैं। प्रवीण सिल्वर टोन दे गाइस, ये वाली सिल्वर टोन है तो सिल्वर टोन से मेकअप बहुत अच्छा होएगा, तो आप भी जरूर ट्राई करना ठीक है ना। तो आप अभी देखना, देखो ग्लिटर वर्क की शाइनिंग कितनी प्यारी है। देखो शाइनिंग तो हम मैचिंग कर रहे हैं, ये लहंगे का कंट्रास्ट है ना, तो लहंगे के कंट्रास्ट नल कर रहे हैं। ओके गाइस फाइनली आईलैशेस पे पहुंच गए। आईलैशेस आपने गाइस लगानी है तो आईलैशेस हमेशा फोल्डिंग होगी, पहले इसकी हल्की सी फोल्डिंग करें फिर आईलैशेस अप्लाई करें। ओके तो हल्की सी ड्राई होने दे आईलैशेस को, हल्की सी ड्राई होने दो तो अभी स्ट्रेच कर जाएगी, नहीं तो जो आप गिल्ली वगैरह रखोगे जो कुछ भी रखोगे तो वो स्ट्रेच नहीं होनी गाइस। ओके
देखो आईलैशेस, फाइनल आईलैशेस हमने लगानी है, तो आईज का एक पास ऊपर जाएगा, पफ ऊपर जाएगा, तो फिर आईलैशेस एक्सटेंशन होएगी, ठीक है। हेल्प ले, तो आपको लग रहा है जो गम थोड़ी बहुत ज्यादा लग जाए तो एयरवर्ड ले, तो एयरवर्ड से हल्की सी साफ भी कर सकते हैं आप। ओके गाइस, करने ना भूलें, फोल्डिंग हमेशा करें आईलैशेस की। ओके गाइस, लहंगे का कंट्रास्ट और आईज का कंट्रास्ट देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। हमने बोला था ना सिल्वर ग्लिटर से बहुत अच्छी लुक आएगी, तो फाइनली ब्राइडल देखना हमने कितनी सुंदर लगेगी। ओके लोगे तो इन्हां दे पवा दो, ठीक है, उन सारे नाल गल करा दियो कि दो कुड़ियां उत्थे ने। गाम दोबारे लामा थे बंद करना, बनाए बंद करो। विटामिन सी के सीरम पर पहुंच गए, जैसे ड्राइनेस हो और स्किन आपने स्मूथ करनी हो, मेकअप का ट्रायल ऑन का एक सेकंड, ट्रायल ऑन सुप्रा का पर तो ये वाला भी और ये वाला भी आपको यही वाला रिजल्ट सीरम बेस्ट देगा। तो आप ना केकी, जैसे मेकअप केकी हो जाता है ना, ऐसे स्माइल के वजह ऐसे केकी हो जाता है, तो केकी नहीं होएगा गाइस। पहले सीरम और फाइनली टेस्ट में बाद दिखाएंगे आपको। ओके गाइस, तो सीरम के गाइस थोड़े थोड़े ड्रॉप्स लगाने हैं, तो ज्यादा ड्रॉप्स नहीं लगाने, तो ज्यादा ड्रॉप्स लगाओगे ना आप सीरम आपका फेस ऑयली होने लग जाएगा। ओके गाइस, फाइनली व्हाइट सीरम, ये वाला टच ब्राइडल के हमेशा ही लगता है। ओके फाइनली गाइस, आपने एक हैंड से आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना, जैसे दो हैंड में अप्लाई करने तो आपको वैसे ग्लो, फेस का ग्लो दिखेगा। इसका मॉइस्चर टेक्सचर बनाने के लिए करते हैं, ऐसे टेक्सचर बन जाता है, फिर वो स्किन का जो लूज है ना वो लूज नहीं होती और आपका मेकअप फिक्स रहता है, फिक्स वैसे ही ऐसी रहेगा फिक्स सीरम वगैरह से। जैसे स्किन ड्राइनेस हो जाएगी तो आपका फेस केकी लगने लग जाएगा। तो फाइनली जैसे डार्क सर्कल होते हैं आईज के नीचे, तो ऑरेंज बेस लगाना है आपने सुप्रा का, ठीक है गाइस। गाइस फेस का हम कंसीलर, सारा कंसीलर बेस बनाएंगे अभी। तो बेस आपने बहुत क्वांटिटी घट यूज करनी है, तो ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करनी, तो ज्यादा यूज करोगे तो वैसे मेकअप वैसे लगेगा आपको जैसे किसी देसी बंदे ने किया है। ओके, तो प्रोफेशनल वाला मेकअप थोड़े से प्रोडक्ट के साथ करना। ओके गाइस, और गाइस फाइनली टच दे रहे हैं कंटोरिंग का, कंटोरिंग टच दे रहे हैं, जैसे आपका नोज है, नोज से ऊपर से इतनी चीज रखनी है तो उससे ऐसे कट हो जाएगा। ओके, ये चीज कट हो जाएगी, तो फाइनली थोड़ा हेड रखना है हमने। तो आपने कंटोरिंग शेप बनानी, तो बी शेप और यू शेप जो भी आप शेप बना गाइड करना चाहते हो तो वही शेप गाइड करें। ओके गाइस, नोज की फीलिंग करनी है, हमने नोज बहुत ज्यादा तीखा करना है, थोड़ा बहुत तीखा करना है तो नोज के आले दाले फीलिंग होएगी। कल किसी कोई भी वाइट आप फाउंडेशन अपना कोई भी कंपनी का फाउंडेशन लें,
तो नोज के ऊपर वाली की चीज को हाईलाइट करना है। ओके गाइस स्टार्ट। तो गाइस ब्लेंडिंग करनी है तो आपने ये चीज आपने एरिया ऊपर को चकने है। ओके ऊपर को उठा के होगी ये वाली कंटूरिंग जो होगी आपका फेस कट बनेगा। फाइनल गाइस लूज पाउडर का टच है। ओके तो आप कोई भी ले सकते हैं, हमके पास सुई स्मूटी का लूज पाउडर है। आप कौन सी कंपनी का लैक्मे का ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। ओके आजा पकाया रस नहीं आया आवे ना के होना को पुछ जड़े सदे कुवारे हर पिंड दी
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾ ਕਮੈਰਾ ਦੇ ਕਮੈਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸਟਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ हेलो।